दोस्तों जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया है और आज Realme 2 Pro लॉन्च हो गया है इंडिया में। और ये फोन दोस्तों बहुत ही गजब के प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है और जो फीचर्स मिलते हैं दोस्तों वो भी काफी काबिले तारीफ है। और इस प्राइस में दोस्तों, जिस प्राइस में इसको लॉन्च किया गया, उस प्राइस में ऐसा कोई फोन नहीं है जो इसको टक्कर दे सके, क्योंकि उस प्राइस में दोस्तों ये एकदम से किलर फोन है। और जितने भी सारे फोन आते हैं दोस्तों, उन सबसे कम प्राइस में और अच्छे फीचर्स के साथ ये फोन लॉन्च किया गया है। तो ऐसे में ये फोन जो है वन ऑफ द बेस्ट फोन बन गया है अगर आप 10 से 20,000 के बीच में देखेंगे। और मुझे लगता है दोस्तों कि अब जो है कोई भी 10 से 20,000 के बीच में अगर कोई फोन देखेगा तो Realme 2 Pro जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए यहां पर है। और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन सिर्फ आपको 18,000 में मिल रहा है। तो इससे सस्ता फोन 8GB रैम के साथ अभी तक मार्केट में नहीं है और पहली बार इंडियन मार्केट में शायद के ये फोन 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आ रहा है, वो भी 20,000 के नीचे सिर्फ 18,000 में। तो चलिए जान लेते हैं और क्या कुछ चीजों के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है, क्या ये फोन आप लोग के लिए लेना सही रहेगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पे आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आपको मिलने वाला है वाटर ड्रॉप लाइक नॉच, यानी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है Realme 2 के मुकाबले। यहाँ पे आपको 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं इसके बैक डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पे पीछे की तरफ जो है आपको ग्लास बैक फिनिश के साथ देखने को मिलता है और ये फोन जो है डुअल रियर कैमरा और फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही फोन जो है दोस्तों आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, जिसमें ब्लैक सी, आइस लेक और ओशियन ब्लू शामिल है। अब अगर दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर को लेके, तो आप सभी को तो पता ही था कि ये फोन जो है Snapdragon 660 के octa-core प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है, साथ में आपको Adreno 512 का GPU भी देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए दोस्तों कोई भी शक नहीं है कि काफी अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस इस फोन में आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो इस फोन की परफॉर्मेंस होगी दोस्तों वो भी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहां पे आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है 4GB 64GB 6GB 64GB और 8GB 128GB। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है रैम और स्टोरेज का, आप अपने नीड के हिसाब से इस फोन को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों इस फोन में जो कैमरास यूज किए गए हैं वो भी काफी अच्छे हैं। जो रियर कैमरा है वहां पे आपको 16+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। जो 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है दोस्तों वो आता है f1.7 एपर्चर के साथ, यानी इसमें जो है आपको काफी अच्छी लो लाइट की फोटोग्राफी भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही बहुत सारे AI मोड को भी ये सपोर्ट करता है, सीन रिकॉग्नाइजेशन को भी सपोर्ट करता है, तो बहुत तरह के सीन रिकॉग्नाइजेशन ये कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है फोटो की क्लियरिटी आपकी बहुत ही अच्छी आने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको बता देंगे फोन में आपको इस बार EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी इस बार अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपके वीडियो में शेकीनेस जो है वो नहीं होगा और आपको काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी, काफी स्टेबल वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा को लेकर दोस्तों, तो यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा में भी आपको बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, AI लाइटिंग देखने को मिल जाती है, AI ब्यूटी मोड देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे फीचर्स जो है दोस्तों कैमरास में आपको देखने को मिल जाएगा और जो फोटोज होगी दोस्तों आपकी Realme 2 Pro से वो काफी काबिले तारीफ होगी, काफी जबरदस्त होगी। लेकिन दोस्तों बैटरी यहाँ पे 3500 mAh की आपको देखने को मिलती है, कंपनी ने नहीं कहा है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लेट डाउन हो सकता है। अगर यहाँ पे 4000+ mAh की बैटरी होती तो ज्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन स्टिल दोस्तों 3500 mAh की बैटरी जो है आपको वन डे बैटरी बैकअप दे सकती है। अगर आप यूज करेंगे फोन को तो आसानी से आपको वन डे बैटरी बैकअप मिल सकता है इस फोन से भी। बाकी दोस्तों अदर चीजों की बात की जाए तो ये फोन जो है दोस्तों आता है एंड्रॉइड 8.1 ऑडियो के साथ, इसमें आपको लेटेस्ट कलर OS 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, USB टाइप सी पोर्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, माइक्रो USB पोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। साथ ही ये फोन जो 3.5mm ऑडियो जैक और बाकी अदर नेसेसरी जो सेंसर्स हैं इस फोन में सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो प्राइस रखी गई है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और इस प्राइस में नोकिया 6.1 प्लस, रेडमी नोट 5 प्रो, MIUI 2 जैसे फोन को
काफ़ी कड़ी टक्कर देने वाला है ये। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो 4GB 64GB के साथ ये फोन लॉन्च हुआ 13,990 रुपए में, 6GB 64GB के साथ 15,990 रुपए और 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 17,990 रुपए में ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस को लेकर दोस्तों मुझे जरा सा भी शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इसके प्राइसिंग को लेके। और दोस्तों मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन को लेने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस फोन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको कैसा लगा ये फोन ये भी जरूर बताइएगा। और आप जो है 6GB RAM 4GB RAM या फिर 8GB RAM वाला वेरियंट लेना चाहते हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार दिखाएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए